हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। लॉकडाउन चल रहा है तो क्या हुआ, हम मारवाड़ी के पास इतने सारे तोड़ हैं तो ये सब्जी पनीर को मात देने वाली है। पनीर खाते भी हम बोर हो जाते हैं, तो इसको भी आप बनाओ। और इसके सामान है वो घर में अभी आपको सब आसानी से मिल जाएंगे। ये राजस्थान की एक ट्रेडिशनल सब्जी है, इसको पितौड़ की सब्जी कहते हैं, तो आप इसको जरूर ट्राई करें। एज ए स्नैक्स भी आप इसको खा सकते हैं। इस पे राई का बघार लगा के और आप फिर चटनी के साथ खाएंगे तो बड़ी ही मज़ेदार लगती है ये पितौड़। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है। इसके लिए लिया है मैंने आधा कप बेसन, उसमें मैं डाल दूंगी एक कप पानी और अच्छे से इसका एक बैटर है वो तैयार कर लूंगी। इसी में मैं ऐड कर दूंगी लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, हींग पाउडर और अजवाइन। अजवाइन मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि बेसन है उससे किसी तरह की गैस वगैरह न बने। तो इसको मैं थोड़ा सा क्रश करके डाल दूंगी। इसके लिए हमें टोटल चाहिए 1.25 कप पानी आधा कप बेसन में। तो मैं 1.25 कप पानी और मिक्स कर दूंगी। हमें परफेक्ट रेशियो के साथ ही बनानी है, तभी हमारी पितौड़ वो अच्छी बनेगी। तो मैं इसमें 1/4 कप पानी और ऐड कर दूंगी। पतौल का बैटर हमारा तैयार है। अब हम हरे मसाले हैं वो कूट लेते हैं, जिसके लिए मैं 10-15 करी पत्ते ले रही हूँ, छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा है, हरी मिर्च अपनी आप अपन पसंद के अनुसार डाल सकते हो, मैं आधी मिर्च ही डालूंगी। कूटने से एक बहुत बढ़िया फ्लेवर है वो इसका आता है। मसाले हमारे अच्छे से कूट चुके हैं, तो अब हम पटोल बना लेते हैं। पैन को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी। तेल हमारा गरम हो चुका है तो मैं इसमें थोड़ी सी राई डाल देती हूँ। अब मैं हमारे कूटे हुए मसाले हैं वो डाल देती हूँ। अब मैं अपना बेसन वाला बोल है वो धीरे धीरे करके डाल देती हूँ। हमें इसको कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना है। हमें इसको अच्छे से पकाना है, पानी का रेशियो हमें पूरा पूरा ही लेना है, तभी हमारी अच्छी पतौड़ तैयार होगी। ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी रहनी चाहिए। हमने इसको 5 से लेकर 7 मिनट तक अच्छे से पका लिया है लगातार हिलाते हुए। अब एक अच्छी सी खुशबू इसमें आने लग गई है। अब मैं इसको थाली में ठंडा कर देती हूँ। थाली को मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। की मदद से इसको अच्छे से चारों तरफ बराबर फैला देंगे। हमारी ये सेट होने लग गई है, आप देख सकते हैं। हमारी पतौड़ अच्छे से सेट हो चुकी है।
तो हम इसके बराबर स्क्वायर्स है वो कट कर लेते हैं। शेप आप चाहे जो कट कर सकते हैं। ये पनीर से भी बढ़िया लगती है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर ट्राई करें। और अभी तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है तो टेंशन किस बात की, ये सब्जियां बहुत ही अच्छी लगती है। ये हमारे सारे पितौड़ा वो देखिए रेडी हैं, तब हम इनकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने थोड़ा सा अदरक और मिर्ची है वो कद्दूकस कर लिया है और मिर्ची को बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने ले लिया है बाउल। बाउल में मैं डाल दूंगी एक कप दही। मैं इसकी दही वाली ग्रेवी बना रही हूँ, आप इसमें टमाटर प्याज वाली ग्रेवी भी बना सकते हैं। तो इसमें मैं लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हींग थोड़ी सी, इसको कर लूंगी अच्छे से मिक्स। दही का मिक्सचर हमारा रेडी है, अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। पैन हमने चढ़ा दिया है और एक टेबल स्पून ऑयल मैं इसमें डाल दूंगी। तेल गरम हुआ या नहीं मैं जीरा और राई है वो डाल देती हूँ। तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, इसमें मैं मिर्ची और अदरक डाल देती हूँ। अपना दही वाला मिक्सचर है वो डाल देती हूँ। हमें इसको कंटिन्यूसली स्टीर करना है ताकि हमारा दही है वो फटे नहीं। फिर भी कभी आपको ऐसे डर लगता हो तो आप इसमें एक टीस्पून कॉर्नफ्लोर और या बेसन सिकावा ऐड कर सकते हैं, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। हमारी ग्रेवी पक चुकी है तो मैं इसमें एक कप पानी ऐड कर देती हूँ। मैंने ये सब्जी आपको सिर्फ एक टेबल स्पून ऑयल में बताई है क्योंकि ज्यादा ऑयल हम लोग पसंद नहीं करते हैं। हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुका है तो मैं इसमें पतौड़ डाल देती हूँ। आप इसको ड्राई भी बना सकते हैं सब्जी को, वो भी बहुत अच्छी लगती है, एज ए स्नैक्स ऐसे भी खा सकते हैं। कुछ पतौड़ को मैं एज ए स्नैक्स रखूंगी छौंक लगा के। दो तीन मिनट के लिए हम इनको कुक करेंगे, वैसे तो हमारी पतौड़ फुल्ली पकी हुई है।